सारे बच्चे झारखंड से, बिहार से, यूपी से आना चाह रहे हैं, तो इतनी दूर के लिए वो सोच रहे, तो वैसे बच्चों को आपके बिहारी भाइयों को क्या बोलना चाहेंगे? वो बिंदास चले आए, वो सोचना भी नहीं है, जल्दी से टिकट बना के इधर चले आओ सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं आज यहाँ पे हमारे पास 5 दिन हो चुके हैं जो बैच हमारा 27 अक्टूबर का बैच स्टार्ट होकर के, और अभी तक आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट यहाँ पे, एक बार थोड़ा हाई कर दो भाई, सब लोग देख रहे हैं कैसा है यहाँ पे, सारे लोग एक्टिव है, जोश में है, जोश में है कि नहीं है, है ना? अच्छा, 5 दिन हो गए, मजा आ रहा काम करने में? चलिए, तो अभी क्या दे रहे हैं आप लोगों को? 2 ब्लैक पेस्टेड, 2 व्हाइट पेस्टेड। अच्छा, इससे पहले 4G का ऑन बोर्ड दिया सबको एक एक, कौन कौन ऑन कर लिया, हाथ उठा के थोड़ा एक बार। इतने यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे स्टूडेंट यहाँ पे है, और एक आध 2-3 लोग हैं जिसका वो भी क्लियर हो जाएगा, और ये चीज अपन अभी सीख रहे हैं इसमें। मास्टर कब होते हैं? 2 महीने बाद, ठीक है ना? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये अगर बोर्ड नहीं देते आपको तो क्या कर पाते क्या आप लोग? नहीं कर पाते ना भाई, तो जरूरी है कि नहीं है? तो पहले एक ऑन बोर्ड भी दिए, पहले उससे पहले रिबॉलिंग के लिए दूसरा एक प्रैक्टिस के लिए बोर्ड दिए। अच्छा, सुबह कितने बजे आए थे? 8 बजे आ रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा ज्यादा 2 घंटा। ऐसा रात में था, बंद तो नहीं कर दे रहे 8 बजते की जाओ, करंट ज्यादा चल रहा, पीपीटी थिनर ज्यादा हो रहा, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना भाई? दिल खोल के सीख रहे हैं, दिल खोल के सिखा रहे भी। अच्छा, मेहनत हो रहा, मेहनत कर रहे कि नहीं कर रहे? रात में हॉस्टल में भी, ठीक है, रात में हॉस्टल में थ्योरी की प्रैक्टिस करना है डायग्राम की, और यहाँ पे अगर बिठा के खाली डायग्राम बनाए तो चलेगा क्या? नहीं। कस्टमर का ऑन मोबाइल हाथ में लगा तो सबको खोलने आना है, तो व्हाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड है, और इसमें ओप्पो का एक लगेगा या वीवो का, कोई भी लगेगा आपको, हार्ड ग्लू वाले है ये, एकदम नॉर्मल नहीं है। रियलमी में क्या रहता है आपको, खाली ब्लेड घुसा इसी उठ जाता, बट इसमें कैसा है? अच्छा, कल लाइव करके बताए सर, लाइव प्रैक्टिस करके बताए, खोल के बताए, कैसा लगा ट्रिक? इजी, क्लीन हो रहा है? अब बहुत सारे मार्केट में ग्लू वगैरह भी बेच रहे हैं, तो खरीदने की जरूरत तो नहीं है, पक्का? फ्रेशर कौन है इसमें, थोड़ा एक बार हाथ उठा के बताइए, पहले कभी आईसी खोले नहीं, तो आप लोग बताओ कर सकते हैं ब्लैक पेस्टेड? पक्का करके जाएंगे ना? और अपने पास जो डेड मोबाइल है, स्क्रैप बोर्ड साथ में लाए, उस पर भी प्रैक्टिस करना, ठीक है? 2 व्हाइट पेस्टेड, 2 ब्लैक पेस्टेड, 1 डबल डेकर का भी बोर्ड देते हैं आपको बाद में, ठीक है, ताकि आइडिया होना ना उसमें भी कैसा काम करना है, ठीक है? अभी ये देते हैं आपको, तो जब सर बोलेंगे जब खोलना है साथ में, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं निकाल लेना, पहले ब्लैक पेस्टेड कराते आपको, फिर व्हाइट पेस्टेड कराते, दोनों खोलना है, क्लीन करना है और बताना है रिवॉल्व करके, ठीक है? 2 में एक आइडिया लग जाता ना, बाद में जाके मास्टर बनेंगे इसमें, ठीक है? एक बार सबके लिए जोरदार क्लास में, ठीक है? जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, और अभी इन्होंने सैमसंग के व्हाइट पेस्टेड पे काम किया है, चलिए इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या काम किया और यहाँ पे कितने दिन का ट्रेनिंग हुआ। सबसे पहले थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मकबूल अंसारी। मकबूल अंसारी, कहाँ से आप? झारखंड से है। झारखंड से है, कब से काम कर रहे थे आप मकबूल? मैं 7-8 साल से काम कर रहा था। अच्छा, मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, कॉइल का नॉलेज नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था, सर्किट का नॉलेज कुछ नहीं था, बस क्या काम करते थे पहले आने से? पहले आने से पहले माइक कनेक्टर वगैरह ये सब चेंज करते थे। अच्छा, माइक कनेक्टर, डिस्प्ले फोल्डर वगैरह डालते थे, लेकिन पीसीबी पे, सर्किट पे कभी काम नहीं करते थे? नहीं नहीं। आईसीओ पे कभी काम नहीं करते थे? नहीं नहीं। अच्छा, तो अभी बताइए ये फोन में क्या काम किया आप? इसमें व्हाइट पेस्टेड था, सीपीयू एमएमसी दो रिबोल करके लगाए, सेट चालू, दोनों खुद खोले आप? जी, अपना हाथ से खोले, खुद लगाए, और ये चालू करने से पहले आपको एक 4G का फोन भी दिए थे? जी, वो तो वन शॉट में सीपीयू निकाल के लगा लिए, तो पहले रिबोलिंग भी नहीं आती थी आपको? माइक्रोस्कोप पे भी काम नहीं किए थे होंगे कभी आप यहाँ आने से पहले? नहीं। तो यहाँ पे आए, आपको माइक्रोस्कोप पे कैसा काम किया जाता है, रिबॉलिंग कैसे करना है ये सिखाया आपको जी। उसके बाद में 3 से 4 दिन के अंदर एक 4G का सीपीयू कराए जी। और आज कितने दिन हुआ क्लास को? आज 7 डे है, 7th डे है। कल ब्लैक पेस्टेड ऑन किए और आज व्हाइट पेस्टेड में फिर एक सेट ऑन किए। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, खुद हाथ से किए ना? अपना हाथ से किए। हाँ, क्योंकि झूठ भी क्यों बोलेंगे, आप तो यहाँ सीखने के लिए आए, सीखने के लिए, हम पैसे देके तो नहीं बुलवा रहे। नहीं नहीं, जो सिखाए वही बोल रहे आप जी। जी, ठीक है, एक बार ऑन करके तो बता दीजिए, एक बार ऑन करके देख लेते हैं सेट को इनके। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, J5 का यहाँ पे डिस्प्ले में आ चुका है, इनका डिस्प्ले आ गया है और अभी ये पूरी तरह से अभी ऑन भी हो जाएगा। तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ आके नॉलेज हमको प्रॉपर बराबर मिल रहा है, जैसा नॉलेज सोचे से उससे भी बढ़कर मिल रहा है। उससे बढ़ के मिल रहा है, वाह, दिल से बोल रहे हैं आप? दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे झारखंड से, बिहार से, यूपी से आना चाह रहे हैं, तो इतनी दूर के लिए वो सोच रहे, तो वैसे बच्चों को आपके बिहारी भाइयों को क्या बोलना चाहेंगे? वो बिंदास चले आए, वो सोचना भी नहीं है, जल्दी से टिकट बना के इधर चले आओ सीखने के लिए। कैसा सिखा रहे हैं सागर सर? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में भी अच्छा सीख रहे हैं और नॉलेज भी बढ़िया आ रहा है। सुबह में जो थ्योरी पढ़ा रहे वो कैसा पढ़ा रहे हैं? वो थ्योरी बढ़िया है सर, और थ्योरी में ज्यादा नॉलेज मिल रहा है। डायग्राम को समझना, डायग्राम को समझने से ही मोबाइल बनता है, और उसको पहले समझना पड़ता है, हार्डवेयर भी समझना पड़ता है, हैंडी स्किल का काम प्लस सर्किट की नॉलेज दोनों चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है इसके लिए सिर्फ टीचर ही कर रहे काम, बच्चों से नहीं करा? ना, वो यहाँ बच्चों से ही काम कराते, टीचर ना काम नहीं करते। टीचर लोग बताते हैं आपको कैसा काम करना है। यहाँ देख सकते हैं मोबाइल इनका पूरी तरह से खुल रहा है, ये लोगों पे आ गया, सेकंड लोगों पे, और अभी पूरी तरह से खुल भी जाएगा। तो कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा हो रहा, अभी जाके काम कर सकते हैं ना? अभी कितने दिन बचे हमारे पास? अभी 13 दिन बचे हैं। 13 दिन बचे, तो 7 दिन में इतना कुछ कर लिया आप, और 13 दिन में कहाँ तक पहुँचेंगे? हाई लेवल में पहुँच जाएंगे। हाई लेवल में पहुँच जाएंगे, जी जी। अच्छा, तो कोई आया ना चाहे तो उसका पूरा पैसा वसूल है कि नहीं? एकदम पूरा पैसा वसूल। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच मकुल, ठीक। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैंडसेट इनका ऑन होते हुए और ये पूरी तरह से खुल जाएगा अभी। तो ये बताओ, कोई बोर्ड वगैरह तो बदल के नहीं दिया आपको? आप खुद हाथ से किए ना जी। कैसा फील हो रहा अभी ऑन करने के बाद, थोड़ा सा बताओ इधर? अच्छा फील हो रहा सर। पहले कभी काम नहीं किया आप, ये ब्लैक पेस्टेड हार्ड ग्लू पे आप CPU निकाल के लगा लिए, ये बहुत सारे लोग करते भी नहीं इस तरह का काम। तो अभी काफ़ी सारे सालों के टेक्नीशियन है जो काम नहीं करते, अब आप 2 साल से काम कर रहे थे, फ्रेशर थे, हमारे पास आए, ऐसा ट्रेनिंग दिए। तो कोई आपके जैसे बच्चे आना चाह रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? आओ सर, अच्छा है, आपको अच्छा सिखा जाता है। फ्रेशर बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग ट्रेनिंग कैसा यहाँ पे दे रहे हैं, थोड़ा सा बताओ खुल के। सुबह 8 बजे से 9-10 बजे तक भी चलता है यहाँ पे, अच्छा रहते। तो सोच के आए थे, मिल रहा आपको? जी मिल रहा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।